राम राम पटाखे जी उड़ा आप दें। सबको, कैसे हो आप सब? ऐसे कंस्ट्रक्शन में आपका कहाँ हो स्वागत है। जाना आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ईपॉक्सी ग्राउट कैसे बनाएं गोल्डन चमकी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेस ले लेंगे, जो भी कलर आपको पसंद है। उसके बाद आपका गोल्डन चमकी डाल देंगे, गोल्डन हो या सिल्वर जो भी आपको पसंद हो चमकी आप डाल सकते हो। जैसे हम 2 पैकेट इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने 2 किलो बेस लिया हुआ है, जो हमारा कलर है साइन एंड रेड करके, उस पर हमने 2 किलो का बेस लिया है। तो उसमें हमको 2 चमकी मिली है, उसके हिसाब से 2 किलो की क्वांटिटी के हिसाब से हमको चमकी मिली है गोल्डन चमकी। फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक वो पूरी घुल मिल ना जाए एकदम अच्छे से। ऐसा नहीं कि सब आधा गोल्डन दिख रहा है आधा कलर दिख रहा है, ऐसा नहीं मिक्स करना। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, भले 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगे। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपको आगे जाके काम आने वाली है। ऐसे तो ग्राउट बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता उसका सही तरीका क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम राइजन और हार्डनर डालेंगे। जो छोटा वाला डिब्बा है वो हमारा हार्डनर का है, और जो बड़ा वाला है वो राइजन है। ये 3 कंपोनेंट आपको इसके अंदर मिक्स करने होते हैं, आपका पहले बेस, राइजन और हार्डनर। और अगर आपको चमकी चाहिए तो उसके ऊपर आप चमकी डाल सकते हो। तो आपका 4 कंपोनेंट हो गया चमकी लेके, नहीं तो आपका ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डालना होता है, राइजन और हार्डनर और आपका बेस। तो ये जो मटेरियल है हम ग्राउट बना रहे हैं, ये एक्चुअल में क्वार्ट्ज का मटेरियल होता है। जो क्वार्ट्ज का पत्थर होता है उसको हम चूर की जो कंपनी जो होती है उसको अच्छे से पीस के बनाती है, कैसे भी बनाती है, उसका ये पाउडर होता है। तो जब हम इसको लगाते हैं तो ये पत्थर बन जाता है, 24 घंटों के बाद ही पत्थर बन जाता है, एक तरीके से पत्थर ही हो जाता है ये। अभी तो नरम है, लेकिन जब इसको लगाने के बाद जब 24 घंटे इसमें हो जाते हैं तो ये पूरा पत्थर हो जाता है। ऐसी हार्डनर और राइजन डालने के बाद इसको अच्छे से घूम लें जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर से हमको बहुत टाइम लग रहा था, और इससे जो है हम हाथ से कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से वो घुल मिल जाएगा। इसको अच्छे से घूम लेना ताकि बेस जो है जो अच्छे से रेडी हो जाए, उसका चमकी भी है जो सब एकदम प्रॉपर मिक्स हो जाए। प्रॉपर मिक्स होने के बाद आपको सिर्फ लगाने का काम रहेगा। जो लगाना है वो बहुत आसान है इसको लगाना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ भी आप लगा रहे हो, टाइल पे लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, तो उसके आजू बाजू में आप टेप बांध टेप लगा लें। जैसे हम देख रहे हो कि हमने टेप लगाया हुआ है दोनों साइड पे, ताकि जो भी फैला हुआ है वो हम टेप निकालते हैं उसके साथ निकल जाएगा, उसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ जाएगी। तो पहले टेप लगा लीजिए, फिर इसको अच्छे से दबा दबा के इसको भर लेना है। तो क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इसको भरते हो ना, तो जब सूखने के बाद ये हल्का सा नीचे से राउंड हो जाता है। इसके लिए हमको उसको अच्छे से भरना है, क्योंकि राउंड होने के बाद उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए उसको अच्छे से भरोगे तो वो फिनिशिंग उसकी सब अच्छी कंपनी देती है। कुछ इसी तरह आपको भरते रहना है, इसका मेन जहाँ तक जितना भी लंबा आपका ग्राउट है, जितना भी जो भी है, उसमें आपको साइड में टेप लगा के ही भरना है, ताकि वो आपको आसान पड़े और एकदम स्ट्रेट फिनिशिंग आए। आपकी टाइल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और आपका जो ग्रूव है वो भी पूरा भर जाएगा। ये करने के बाद सबसे मेन प्रोसेस जो है आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों जो उसको इम्पोर्टेंट होती है उसको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहता हूँ, ताकि आपका काम जो है वो सही समय पे और अच्छे तरीके से हो जाए, और उसकी फिनिशिंग जो है आपको टॉप क्लास मिले। ये हमारा जो आखिरी स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखिए। डिब्बे के अंदर, ग्राउट के डिब्बे के अंदर ये स्पंज भी देती है। तो ये स्पंज आपको कब घुमाना है, जब आप ग्राउट लगा लेते हो। ये स्पंज को अच्छे से पानी में डुबो के थोड़ा निचोड़ के और इसके ऊपर घुमाना है, ताकि इसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन हो जाए, कहीं भी खड्डा ना दिखे। आपको इसी तरह घुमाना है अच्छे से। आप देख सकते हो कि हमारा जो बेस, हम जो ग्रूव है, ग्राउट भरा है, वो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है उसकी। तो ये आपको घुमाना ही घुमाना है, ये आपका लास्ट स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपको पूरा जो ग्राउटिंग है वो ख़राब दिखने वाली है। इसको कपड़े से नहीं पोंछना है, इसको यही जो हमने दिया है स्पंज, वो स्पंज से ही इसको साफ़ करना है। बस आपको फिर इसका रिज़ल्ट देखने के लिए कम से कम 24 घंटा या 12 घंटा रुकना होगा, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका जो है वो आएगा। पूरा गोल्डन और जो आपका रेड है बेस वो उठ के आने वाला है, और आपका घर का जो लुक है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको मेरी अगली वीडियो में।
इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठेगा ना।